राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब इस चैनल पर अभी यानी आज से आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और फिर व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दूंगा। चलिए मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी देता हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन है ये 4/12/2019 की डेट में जारी किया गया था, यानी कि कल की डेट में जारी किया गया था। इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है ये कोई निश्चित नहीं है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन कोई निश्चित डेट नहीं है। पीईटी एग्जाम डेट कोई निश्चित नहीं है। रिटर्न एग्जाम डेट कोई निश्चित नहीं है। एडमिट कार्ड इसकी भी कोई डेट निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं फीस की। तो देखिए, जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लोगों के लिए 400 रुपये, इफ इनकम लेस देन 2.5 लैक्स, जिनकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए, तो उनकी जो फीस रहने वाली है 350 रुपए। अब बात करते हैं SC ST की। तो SC ST की जो फीस रहेगी 350 रुपए। फीस आप कैसे सबमिट कर सकते हैं? तो देखिए, फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। कांस्टेबल के लिए यदि आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल RAC और MPC। यदि आप इसमें 8 पास हैं, कक्षा 8, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर में देखिए, योग्यता मांगी जा रही है 10th पास। हाई स्कूल यदि पास हैं आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो लाइसेंस होना चाहिए वो 1 साल पुराना होना चाहिए। LMV HMV, 1 साल पुराना आपका जो लाइसेंस है वो पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, आपकी जो एज है वो 1/1/2020 से काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं कांस्टेबल GD की। छात्रों के लिए 18 से 23 साल, जो भी छात्र 18 से 23 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल GD के लिए। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में जिन महिलाओं की एज 18 से 28 साल के बीच में जो महिलाएं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं ड्राइवर की। तो ड्राइवर मेल के लिए 18 से 26 साल, जो भी पुरुष वर्ग के लोग हैं वो 18 से 26 साल के बीच में, तो वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए 18 से 31 साल, जो भी महिलाएं 18 से 31 साल की हैं वो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और देखिए, छूट भी आपको मिलेगी। SC ST और OBC को भी छूट मिलेगी इसमें। देखिए, OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, टोटल वैकेंसी इसमें है 5,000, कुल टोटल वैकेंसी 5,000 है। काफी अच्छी वैकेंसी है, आप एक बार तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, पार्ट ए से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा? विश्लेषणात्मक तर्क, गैर मौखिक तर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंकड़ा निर्वचन, तार्किक विचार और डेटा पर्याप्त से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो देखिए, मैथ में जड़ें, औसत, प्रतिशत, लाभ और हानि, घड़ियों के सवाल, अनुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, वृत्त चित्र, लघुगणक, क्रम परिवर्तन और संयोजन, रेखा रेखांकन और सारणीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्य समय, समय और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वॉल्यूम और सतह क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊंचाई और दूरियां, सरल और चक्रवृद्धि व्यास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संभावना से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो देखिए, पार्ट बी में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से पूछे जाएंगे? देखिए, वातावरण, प्राणी विज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, वनस्पति विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, भारतीय संस्कृति, भूगोल, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद, बेसिक जीके, खेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो देखिए, सामान्य विज्ञान में सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, अनुपयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान,
भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट सी में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए पार्ट सी में राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान का विकास, राजस्थान की संस्कृति आदि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।